नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड लिटिल बिट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। मेंस में आ भी सकते हैं बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर हेडिंग इटसेल्फ। सेक्शन 24 हेडिंग देखो क्या है, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे आप। कौन सी पावर्स हैं यहां पर? ट्रांसफर एंड विड्रॉल, किसी भी सूट को, किसी भी अपील को, किसी प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर करना या विड्रॉ करना, मतलब अपने पास खींचने की पावर। लेकिन दिस सेक्शन इज डीलिंग विद द पावर ओनली ऑफ द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। कि दूसरा क्वेश्चन यहां से 24 में ये आएगा कि सेक्शन 24 में जो पावर दी गई है, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल की जो पावर है वो कौन सी कोर्ट को दी गई है? द नेम ऑफ द कोर्ट इज हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट प्लीज, क्योंकि बिकॉज देयर इज एन स्पेसिफिक सेक्शन 25 फॉर सुप्रीम कोर्ट। Therefore, Section 24 is dealing with the power of the High Court and District Court only. You got it? So, two questions Section 24 की heading से ही आ जाएंगे आपके पास ये। अब बढ़ते हैं। देखिए आप अपने बेर एक्ट में इस तरीके से इसको हाईलाइट कीजिए। ए, बी और सी मिलेंगे आपको, और उनके जो पहले ही अक्षर होंगे देखना, वहां मिलेगा ट्रांसफर, विड्रॉल और बाद में मिलेगा रीट्रांसफर आपको। तो ये अगर आप पहले हाईलाइट कर लेंगे तो आपको समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है इस केस में, ट्रांसफर, विड्रॉल एंड रीट्रांसफर। मिल गया आप लोगों को? अब समझिए क्या है। देखिए मैं पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इससे पहले कि डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ें बोरिंग हो जाएगा, वो पहले समझ लीजिए। यहां पर हम ये डील कर रहे हैं सामान्यतः हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऐसी पावर, जनरल पावर, सामान्य शक्ति, किस बात की? कि वो उनके उनके जुरिस्डिक्शन में उनकी कोई, उनके कोर्ट, उनके सबोर्डिनेशन के कोर्ट, सबोर्डिनेट कोर्ट के साथ में कोई अगर केस, कोई सूट, कोई अपील या कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग पड़ी हुई है तो उस सूट को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं या उस कोर्ट को खुद के लिए विड्रॉ कर सकते हैं और फिर बाद में पुनः उसी कोर्ट को रीट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आम भाषा में समझाए तब ये किसकी पावर है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ ट्रांसफरिंग द केस और विड्रॉइंग द केस। सही है? तो ये कब होगा, किसकी एप्लीकेशन पर होगा,
किस तरीके से हो सकता है, ये बारीकियों को हम लोगों ने इस सेक्शन में ढूंढना है। कर लेंगे हम। अब चलिए पढ़ते हैं लैंग्वेज। सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट 24 क्लॉज 1। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, प्लीज हाईलाइट दिस बेयर एक्ट लाइक दिस ओनली। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड। तीन बातें हो गई है। देखिए इसको उधर देख लीजिए। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज, प्लीज सी दिस स्लाइड। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, एनी ऑफ द पार्टीज वेदर इट प्लेंटिफ और इट इज डिफेंडेंट, आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड थर्ड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड, उन पार्टीज को सुनने के बाद। तो एक दिस इज वन ऑफ द वे। एंड सेकेंड क्या है, और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस। सो इन सेक्शन 24 हाई कोर्ट और रजिस्ट्री कोर्ट हैज पावर टू ट्रांसफर और विड्रॉ और रिट्रांसफर द सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग्स इन टू वेज। एक क्या हो सकता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज हो सकता है एक तरीका, और सेकंड क्या है, ऑन और ऑफ इट्स ओन मोशन स्वयं विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, अपनी इच्छा पर अपने डिस्क्रेशन पर भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कर सकती है। तो ये ध्यान रखना, 22 में हम लोग डिफेंडेंट लगाता है एप्लीकेशन, जो ट्रांसफर सूट है देयर इज ऑन द एप्लीकेशन डिफेंडेंट था। यहां पर क्या जनरल पावर है हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंधे हुए नहीं है इसमें कि ओनली दे विल ट्रांसफर द केस ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, दे कैन डू सो ऑन इट्स ओन मोशन ऑल्सो एंड विदाउट सच नोटिस, किसी को नोटिस दिए बिना। तो यहीं से आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे। इस तरह समझ लीजिए, जो ट्रांसफर की, विड्रॉल की या रिट्रांसफर की जो कार्रवाई हो सकती है वो कैसे कैसे इनिशिएट हो सकती है। पहला तरीका क्या है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। और जब एप्लीकेशन कोई पार्टी अप्लाई करेगी तब क्या क्या होगा, आफ्टर द नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड। मीनिंग भाई, मान लीजिए इफ आई एम वन ऑफ द पार्टी टू द सूट, इफ आई एम वन ऑफ द पार्टी टू द सूट एंड आई वॉन्ट टू गेट दिस केस ट्रांसफर्ड, देन आई विल हैव टू गिव नोटिस। और नोटिस देने के बाद में जो दो अदर पार्टीज हैं उनकी भी हियरिंग होने के बाद में ही ट्रांसफर होगा। वो जब किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर मैटर ट्रांसफर होगा, जब किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर मैटर ट्रांसफर होगा, इन दैट केस अदर पार्टीज को भी सुना जाएगा। वो एक तरफा एक ही पार्टी के कहने से मैटर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। ऑडी ऑल्टरम पार्टम, हियर द अदर पार्टी ऑल्सो। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का सेकेंड प्रिंसिपल है ये, है कि नहीं है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई और बिना किसी को सुने मैटर ट्रांसफर हो गया। तो व्हेन देयर इज एन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी पार्टी देयर मस्ट बी नोटिस एंड देयर मस्ट बी हियरिंग ऑफ अदर पार्टीज एज वेल। बट व्हेन द कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, कोर्ट मींस हियर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑन इट्स ओन मोशन ट्रांसफर्स, देन देयर इज नो नीड ऑफ सच नोटिस विदाउट सच नोटिस। तो देयर इज अ डिफरेंस। नोटिस इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन The application is moved by any party to the case. आई बस में नहीं आई बात को, सही है। तो when notice is required when the court moves on its own motion, जब हाई कोर्ट को स्वयं लगता है कि नहीं ये मैटर ट्रांसफर होना चाहिए, तो फिर किसी को सुनने की जरूरत नहीं है आपको कोर्ट को, फिर किसी को नोटिस करने की जरूरत नहीं है क्यों ना ट्रांसफर किया जाए, कोर्ट को लगा एंड मैटर इज ट्रांसफर्ड। लेकिन जब कोई पार्टी अप्लाई करेगी ट्रांसफर के लिए, देन नोटिस इज मस्ट, देन हियरिंग ऑफ अदर पार्टीज इज मस्ट, ओनली देन इट शुड बी ट्रांसफर्ड। आई बात समझ में? तो दिस इज द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। यू गॉट इट? बढ़े आगे इफ यू अंडरस्टूड इट। तो ये हुआ पहला पार्ट क्लॉज 1 में।
on the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard or of its own motion without such notice, the High Court or the District Court may at any stage. And it is very, the High Court or District Court at any stage. High Court ki power ho gayi aur District Court. Aur kisi bhi stage par ho sakta hai. There is no such foundation. Ye jo cheezon, ye shabd hai par, at any stage means what? This transfer, this withdrawal can happen at any stage, even at the stage of passing the judgment. Initial stage mein ho sakta hai, mid stage mein bhi ho sakta hai, later stage mein bhi ho sakta hai, it may happen at any stage. तो क्या क्या कर सकती है? पहली बात, ए, ट्रांसफर एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग. प्लीज, ये तीनों अलग अलग फ्रेज हैं, इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो आपको इनको तीनों को ध्यान रखना पड़ेगा, अपील, सूट और अदर प्रोसीडिंग. जब आप याद करेंगे सेक्शन को तो इसको भूलेंगे नहीं, इस तरीके से अगर आपने इसको हाईलाइट किया तो. प्लीज सी, सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग. लेकिन कहां पर है वो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबोर्डिनेट टू इट. ये मैटर कहां पेंडिंग है? हाई कोर्ट के खुद के पास पेंडिंग है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खुद के पास पेंडिंग है? पेंडिंग बिफोर इट. इन दिस क्लॉज ए, दिस मैटर, व्हाट, सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग is pending before the court itself. यानी कि transferring court जो है ये, देखिए, suit, appeal और other proceeding, pending before it का मतलब है जो court transfer कर रही है. court transferring कौन सी हुई? High court या district court. तो ये matter उसी के सामने pending है, pending before the transferring court. phrase समझ में आया? ये कोई भी suit, appeal और अदर प्रोसीडिंग इज पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट इटसेल्फ, तो देन दिस मैटर मे बी ट्रांसफर टू एनी कोर्ट सबोर्डिनेट टू इट. अपने से सबोर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकेगी, कर सकती है, लेकिन वो कोर्ट कैसी होनी चाहिए? एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम. अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है, उस मैटर को ज्यूरिसडिक्शन रखती है, तो उस कोर्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है. ट्रांसफर, तो दिस इज द क्लॉज ए हुई. अब दिस इज डीलिंग विद व्हाट? ट्रांसफर ऑफ सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग फ्रॉम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अदर कोर्ट्स. अदर कोर्ट कैसी है? दो बातें होनी चाहिए, सबोर्डिनेट टू इट है वो, सबोर्डिनेट टू इट, एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम. समझे नहीं समझे आप? तो ये बात समझ में आ गई. क्लॉज वन, अब ओन इट्स ओन मोशन हो सकता है, ओन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज हो सकता है. इन केस ऑफ इट्स ओन मोशन, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड. नोटिस इज रिक्वायर्ड व्हेन पार्टी अप्लाई फॉर द सेम. सही है. कौन कौन सी कोर्ट है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो क्लॉज ए में कौन सा मैटर है? व्हेन द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटसेल्फ, देन दिस मैटर विल बी ट्रांसफर टू विच कोर्ट? किस कोर्ट को? जो उस कोर्ट के सबोर्डिनेट होगी. लेकिन सबोर्डिनेट तो है, लेकिन कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए. ऐसे नहीं किसी को भेज देंगे, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, सबोर्डिनेट बट एज वेल एज कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट. द कोर्ट, ट्रांसफरिंग कोर्ट, जिस कोर्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है मैटर, वो कोर्ट उस मैटर को डील करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए. इट मींस उसके पास पिक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए. टेरिटोरियल छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन उसको होना चाहिए. इट कैन डील विद सच मैटर्स, कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट. हो जाएगा? अब बढ़ दें आगे. तो यह हुआ पहला, ए हो गया. नाउ कम टू सेकेंड, विदड्रॉ. अगेन सेम लैंग्वेज, विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबोर्डिनेट टू इट. अब इनके सबोर्डिनेट कोर्ट्स में अगर कोई मैटर पेंडिंग है, तो उस मैटर को विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अपने पास खींच सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं. विड्रॉ का मतलब ये हुआ, है कि नहीं है? अगेन, विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग
इन एनी पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबोर्डिनेट टू इट। और क्या करेंगे फिर, अपने पास बुला तो लिया मैटर को, क्या करेंगे, या तो खुद ट्राई करेंगे या फिर अपने पास बुला करके देन दिस मैटर कैन बी ट्रांसफर टू अदर कोर्ट। यू प्लीज सी दिस स्लाइड, यहां समझ में आएगा आपको। देखिए कौन सा, एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग कहां पेंडिंग है, पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबोर्डिनेट टू इट। क्लॉज ए में मैटर वॉज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट इटसेल्फ, नाउ इन दिस क्लॉज मैटर इज पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट विच इज सबोर्डिनेट टू इट। उस कोर्ट से विड्रॉ करना, ये मैटर कहां पर आ गया, हाई कोर्ट में आ गया। या हाई कोर्ट ने क्या करा, इस मैटर को सीधा यहां ट्रांसफर करा दिया, दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करा दिया। ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबोर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। तो क्लॉज बी में दो दो काम कर सकती है हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस मैटर को खुद के पास विड्रॉ कर लिया और खुद ही उसको डिस्पोज कर, विड्रॉ एंड ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। एक बात हो गया, हाई कोर्ट को लगा ये मैटर, हाई कोर्ट कैसे लग रहा है ये मैटर जो है कब का, कब हो सकता है ऐसा, मान लीजिए राम जन्मभूमि जैसा कोई विवादित मुद्दा हो गया, इट्स ए सिविल सूट है कि नहीं है, इट्स ए सिविल सूट, और भी कोई ऐसा सेंसिटिव इशू हो सकता है, वो इशू दैट मैटर इज पेंडिंग बिफोर एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिफोर एनी सिविल कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि यार हमारे सिविल जज साहब इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, ये मैटर इतना सेंसिटिव है, तो उनको लगता है तो दिस कैन बी विड्रॉन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू इटसेल्फ, अपने पास बुला लिया उस मैटर को, और खुद भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको डिस्पोज कर सकती है। ये तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकते हैं, उस मैटर को कहा जाए कि भाई सिविल वन से सिविल जज नंबर वन से मैटर भी ट्रांसफर टू सिविल जज नंबर टू, वो डिस्पोज करेंगे इस केस को आप, सही है। सेम थिंग कैन बी डन बाय द हाई कोर्ट एज वेल, हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं ये मैटर इतना सेंसिटिव है, इट शुड बी ट्रांसफर टू अस, ट्रांसफर टू अस का मतलब हो गया विड्रॉ, उस मैटर को अपने पास बुला लिया, विड्रॉ कर लिया, और खुद ही हाई कोर्ट ने उस मैटर को ट्रायल करा और डिस्पोज कर दिया, सही है। या फिर क्या हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैटर भी ट्रांसफर टू बरेली, दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज दिया जाए, क्योंकि यहां पर जो गुंडा एलिमेंट ऐसे हैं, यहां पर विटनेसेस को आने दिया नहीं जा रहा है, और यहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी जगह केस को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि तसल्ली शांति तरीके से वहां पर केस डिस्पोज हो जाए। तो देर में भी सो मेनी रीजंस, समझना आपको ये है, ए में कौन सी पावर है, बी में कौन सी पावर है, और फिर सी में कौन सी पावर है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या क्या कर सकती हैं, सेक्शन 24 में क्या कर सकती हैं। तो ट्रांसफर कर लिया, पहले अपने पास जो मैटर था वो दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, बी क्लॉज में क्या हुआ, दूसरी कोर्ट में था मैटर उसको विड्रॉ कर लिया, या उसको वहीं से कहीं से दूसरे ट्रांसफर कर दिया, कर लेंगे आप लोग समझ गए। नेक्स्ट, री ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वॉज विड्रॉन, जिस केस जिस कोर्ट से उसको ट्रांसफर किया था, विड्रॉ किया था, उसी कोर्ट को दोबारा उसी प्रोसीडिंग को वापस भेजा जा सकता, री ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो तीनों बातें होगी, ट्रांसफर, विड्रॉल और री ट्रांसफर, कौन कौन सी कोर्ट कर रही है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रही है। कैसे कर रही है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज भी कर सकती हैं, अपने खुद के खुद ऑन मोशन भी कर सकती हैं। डिफरेंस क्या होगा, इन केस ऑफ पार्टीज नोटिस देना पड़ेगा, हियरिंग करनी पड़ेगी ऑब्जेक्शंस की, बट इन केस ऑफ अपने कर ओनर्स ऑन मोशन कर रहे हैं, देर इज नो नीड ऑफ नोटिस, देर इज नो नीड ऑफ नोटिस, कर लेंगे अपने अभी, अब तो बहुत आसान कर दिया। कौन कौन सी पावर है, किसकी पावर है, कैसे प्रोसीजर होगा, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीपीसी डील्स विद द जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर विड्रॉल, सेक्शन 24, फॉर इनवोकिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 24 नोटिस टू द अदर साइड इज मैंडेटरी। जब पार्ट, मैंने बताया आपको, जब पार्टी की एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लगेगी देन नोटिस इज मैंडेटरी। क्यों मैंडेटरी है भाई, ऐसा ना हो कि जो है कोर्ट के स्टाफ से मिली भगत करके आप चुपचाप एप्लीकेशन लगाई और मैटर ट्रांसफर कर लिया,
अदर पार्टीज को भनक तो नहीं लगी, तो फिर जस्टिस नहीं हो पाएगा ना। नोटिस इसलिए जरूरी है ताकि सभी पार्टीज को पता चल जाए कि देखो ट्रांसफर की एप्लीकेशन लग गई है, ट्रांसफर सुनवाई होगी, आपको कोई ऑब्जेक्शन है दे दीजिए उसमें आकर के, समझे। नेक्स्ट आगे बढ़िए, सेकंड बढ़िए, क्लॉज सेकंड, वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और विदड्रॉन अंडर सबसेक्शन वन द कोर्ट विच क्लॉज वन में ट्रांसफर हो गया या विड्रॉ हो गया, केस हो गया, अब जिस केस के जिस कोर्ट के पास में वो केस अब आ गया फाइनली, जिसको अब ट्रायल करना है, तो वो कहां से करेगी वो। देखिए ये हो सकता है, इधर देखिए पेंडिंग एक केस पेंडिंग चल रहा था, अब मेरे पास उस सूट को ट्रांसफर कर दिया गया, तो मैं उस सूट को शुरुआत मतलब जीरो से स्टार्ट करूं उस केस को, या जिस पॉइंट से वो वहां पर जितना बढ़ चुका था केस वहीं से आगे शुरुआत करूं। अब क्वेश्चन ये है कि मैं कौन से पॉइंट से इसको शुरुआत करूं, है ना, तो उसका आंसर है इसमें क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन द केस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जो ट्रांसफर का ऑर्डर है उसी में अगर कोई डायरेक्शन दे रखी है उसके अधीन रहते हुए, सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन द केस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर इधर रिट्राइट और प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट वॉज ट्रांसफर्ड, या तो उस केस का पूरा रिट्रायल कर सकते हैं मतलब डीनोवो एकदम जीरो से स्टार्ट करके रिट्रायल कर सकते हैं, या उसी पॉइंट से बढ़ सकते हैं जिस पॉइंट से उसको ट्रांसफर किया गया है। मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या मान लीजिए आई एम द ट्रांसफरिंग कोर्ट, समझे, इधर देखो ट्रांसफरिंग कोर्ट हुआ मैं, तो अब मेरे पास दो च्वाइस है कि मैं पहले पढ़ूंगा ट्रांसफर ऑर्डर, जिस ऑर्डर के द्वारा मेरे पास वो केस आया है, अगर उसी में ही स्पेशल डायरेक्शन दी गई है कि आपको इस केस का रिट्रायल करना है, तो फिर मेरे पास कोई च्वाइस नहीं है, मैं इसका रिट्रायल करूंगा जैसा कि ट्रांसफर ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर ट्रांसफर ऑर्डर में लिखा हुआ कि नहीं आप उसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे जिस पॉइंट से केस आप तक भेजा गया है, फिर मैं उसी पॉइंट से आगे प्रोसीड करूंगा। तो पहली बात हो गई, आई विल हैव टू गो एज पर द स्पेशल डायरेक्शंस इन द केस ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर। वास्तव में अभी सपोज कीजिए देर इज नो सच डायरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, सही है, इस बारे में ट्रांसफरिंग ऑर्डर साइलेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं है, देन मेरे पास च्वाइस है, आइदर आई कैन रिट्राइट और आई मे प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट वॉज ट्रांसफर्ड। ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। थर्ड, अब चूंकि हमने क्या बात की थी कि किसको ट्रांसफर कर सकते हैं वो, टू द सबॉर्डिनेट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, ये लफ्ज आए थे पीछे भी, मैटर में भी ट्रांसफर टू द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, है ना। नाउ इसके पर्पज से देखो क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट Courts of additional and assistant session judge shall be deemed to be subordinate court to the district court. समझ में बताइए आपको कि district court can transfer the matter to additional and assistant judges courts, क्योंकि ये जो courts हैं district court के कौन से होंगे subordinate, additional judge और assistant judge, तो matter can be transferred from the court of district court to additional judge or assistant judge. Got it? And it is only for the purpose of section 24, specifically कह दिया गया for the purposes of this section, इस धारा के लिए केवल, इस section के लिए additional judge को या assistant session judge को district court का अधीनस्थ माना जाएगा। Courts of additional and assistant session judge shall be deemed to be the subordinate of district court. And of course, high district court is subordinate to high court. तो दोहरा ही नहीं है। एंड प्रोसीडिंग इंक्लूड्स ए प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर, कि जो वर्ड यूज था ना तीन थे ना उसमें, सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग्स, तो इन द फ्रेज अदर प्रोसीडिंग्स दिस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो इसको बना लीजिए प्रोसीडिंग्स इंक्लूड ऑल्सो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, समझे आप, समझ में आ गया। थर्ड, फोर्थ, ये होगी क्लॉज फोर्थ,
क्या है, द सूट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर द सेक्शन फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस शैल फॉर द पर्पजेज ऑफ सच सूट बी डीम्ड, डीम्ड शब्द को हाईलाइट कीजिए, टू बी ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। नहीं आया समझ पढ़कर एक बार, मैं आपको समझाता हूं, स्लाइड में देखिए, दोबारा पढ़ता हूं, आराम से मेरे साथ पढ़ना अपने बेरक को। The court trying any suit transferred or withdrawn under this section, वाली कोर्ट, कौन सी कोर्ट, जिसके पास मैटर ट्रांसफर कर दिया गया है या जिसने अपने पास विड्रॉ कर लिया है, सही है, लेकिन मैटर कहां से विड्रॉ ट्रांसफर हुआ है, फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, तो उस कोर्ट को शैल फॉर द पर्पजेस ऑफ सच सूट, उस सूट के लिए, ओनली फॉर दैट सूट सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, उसको कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज ही माना जाएगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है, एंड फॉर दैट पर्पज आई हैव मेड दिस स्लाइड फॉर यू, दिस इज कोर्ट नंबर वन एंड दिस इज कोर्ट नंबर टू, गॉट इट, यहां समझ में आया। ये सीवन कोर्ट है, ये कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है, यानी कि ऐसी कोर्ट जो बहुत हल्के फुल्के छोटे मुकदमे सुनते आई है, सही है, दिस इज कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। यहां से मैटर ट्रांसफर हुआ C2 के पास या विड्रॉ कर लिया C2 ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर ये हाई कोर्ट है तब, ये अब ये हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मैटर हैज बीन विड्रॉन टू C2 और मैटर हैज बीन ट्रांसफर टू दिस कोर्ट, समझे या बात, तो एज पर दिस क्लॉज सब क्लॉज 4 ये कह रहे हैं ये C2 क्लॉज है, ये नॉट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, ये स्मॉल कोर्ट कोर्ट नहीं है, ये दिस इज नॉट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, ये ADJ कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दिस इज नॉट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, लेकिन फॉर द केस ट्रांसफर्ड, जो केस ट्रांसफर हुआ है, ओनली फॉर दैट पर्पज इट शैल बी डीम्ड टू बी ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, इस कोर्ट ये माना जाएगा कि भले ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्चुअली ये, लेकिन उस केस के लिए जो ट्रांसफर हुआ है इसे, केवल उस केस के लिए इसको कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस माना जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, समझे आप बात, बट ओनली फॉर दैट केस, विच केस, विच हैज बीन ट्रांसफर टू इट, जो केस इसको ट्रांसफर हुआ है या जिस केस को इसने विड्रॉ कर लिया है, कब, क्योंकि जो ओरिजिन हुआ, जिस कोर्ट से आपने विड्रॉ किया है, जिस कोर्ट से आपने ट्रांसफर किया है, वो कोर्ट कैसी थी, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस थी वो, समझे आपने, तो ये समझ आया, रेज हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, वेरी गुड। फिफ्थ, ए सूट और प्रोसीडिंग मे बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम ए कोर्ट विच हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इट, अगर किसी कोर्ट के सामने, किसी कोर्ट को उस केस को सुनने की शक्ति नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उस कोर्ट से मैटर को ट्रांसफर किया जा सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत, बस वो सिंपल सी बात है। ए सूट, इसको ऐसा ब्रेक कर लीजिए, और प्रोसीडिंग में भी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन, इस धारा के अधीन कोई वाद या कोई कार्यवाही स्थानांतरित की जा सकती है, ए सूट और प्रोसीडिंग में भी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन, कौन सी कोर्ट से, फ्रॉम ए कोर्ट, कौन सी कोर्ट से, विच हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इट, जिसको इस मामले की सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारता नहीं है, विच कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इट, उस कोर्ट से मामले को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दीज आर 5 क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 24, देखने में बहुत लेंदी लगता है, लेकिन मैं आपको इसको समराइज कर देता हूं लास्ट में, आपको एक पार्ट में देखिए, दिस सेक्शन इज डीलिंग विद द जनरल पावर ऑफ द, यहां तक आते हैं, शुरू में समझ, देखिए, दिस सेक्शन इज डीलिंग विद द जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज विड्रॉल ऑफ द, विड्रॉल किसका हो रहा है, ये रही, ये तीन फ्रेजेस याद रखिएगा, सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स, सही है, किसकी पावर है ये, हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है। दूसरी बात, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर कौन कौन सी बताई गई यहां पे, ट्रांसफर की आई है पावर, विड्रॉ की पावर आई है, और रीट्रांसफर की पावर आई है, यहां से पहले से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं,
टू वेज, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज और ऑन दी ऑन इट्स ओन मोशन कर सकते हैं. इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पार्टी देयर मस्ट बी नोटिस विच इज मैंडेटरी एंड हियरिंग ऑफ द पार्टीज. बट इन सेकेंड वे वेन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस, ये कर सकते हैं यहां पर. ये बाकी आपको पता ही है, ट्रांसफर, विड्रॉल और रिट्रांसफर की पावर हो गई. एडीजे की कोर्ट और असिस्टेंट जज की कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबोर्डिनेट माना जाएगा. प्रोसीडिंग के अंतर्गत एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी आएंगी. जब कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस से मामला ट्रांसफर होगा जिस कोर्ट को होगा, तो वह कोर्ट भी उस मामले के लिए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस मानी जाएगी. हो गया, कुछ है क्या इसमें? अब यानी ऐसी कोर्ट जिसे किसी उस मामले को सुनने के क्षेत्राधिकार नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस वहां से कोर्ट मैटर ट्रांसफर किया जा सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत. अब क्या रह गया बताओ? हो गया सब. दिस इज ऑल अबाउट 24. आप कैसे करेंगे? इस सेक्शन को बार बार लिख के देखेंगे आप. मैंने आपको डिटेल में समझाया, एक एक फ्रेज समझा दिया, सही है. अब आप इसको पहले याद कीजिए, लिख लिख के कम से कम 10 बार, और फिर अपने दोस्तों से इसको डिस्कस कीजिए. जैसे मैं कह रहा हूं, किसकी पावर है? हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की. कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है. कौन किसके अधीनस्थ माना जाएगा? अच्छा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कवर होंगी नहीं होंगी? हो जाएंगी. स्मॉल कॉजेस के बारे में रूल क्या होगा? ये होगा. ऐसे एक दूसरे क्वेश्चन फेंकिए, डिस्कस करिए. हो गया याद आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 24 सीपीसी, ठीक है जी. ठीक है जी, थैंक यू. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.